अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग व्लॉग। और यहाँ पे हैं, अभी हम आए हैं जी गुल प्लाज़ा में। गुल प्लाज़ा में 5000 शॉपिंग जो है चैलेंज हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हैं जी बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी के गुस्से आपको मिल जाते हैं, और गुस्से जो है मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद होते हैं। ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल वेयर उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली ईद पे तो बहुत ही, मतलब कि हर इंसान की पसंद अलग से होती है। तो यहाँ से मैंने लिया था जी एक गुस्सा, शायद आपको नज़र आ जाए अभी। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना गुस्सों की प्राइस चल रही थी 1000, और आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट इन्होंने कहा था कि हमारी फ़िक्स प्राइस है 1000 में। मैंने यहाँ से एक हिस्सा लिया था, हम आ गए जी एक और शॉप पे। ये शॉप नंबर शायद आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लगी हुई है सेल, एंड यहाँ पे जो है हमें, मुझे ना बाहरी एक ड्रेस पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। ये वाला फ्रॉक जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही प्यारा बाहरी लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा था, एंड स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और जी ये वाला ड्रेस जो है मेरी सासू माँ ने, देख और समझ लें, गिफ्ट किया है ईद का गिफ्ट। यहाँ पे और भी काफ़ी वैरायटी थी, और ये जो आपको ब्लू कलर का और नज़र आ रहा है ना फ्रॉक और गंजा का, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट जो है ना मुझे जो है स्पेशली और गंजा वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर इंसान के अलग अलग पसंद होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं होते, बट मुझे नहीं पसंद। मुझे ना यार नरम नरम सी चीज़ें पसंद हैं लाइक जैसे अगर शिफोन भी मुझे अच्छी लगती है ना, तो शिफोन भी जो चाइना शिफोन होती है ना, वो बहुत नरम और मुलायम मज़े की होती है, तो मुझे वही शिफोन पसंद है। इंडिया जो शिफोन या करीम कलक से लोग बोलते हैं, तो वो थोड़ी सी सख्त सी होती है। वैसे उस मज़बूती में चेक करें तो उसकी मज़बूती अच्छी होती है, बट फिर भी मुझे ना शिफोन जो है ना वो भी प्योर बोलते हैं, प्योर का कपड़ा या शिफोन अक्सर लोग बोलते हैं, तो वो चाइना शिफोन होती है या चाइना का प्योर का कपड़ा होता है, तो मुझे वो ही अच्छा लगता है। तो मैं ऑर्गेंजा के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करती, तो मुझे ब्लू वाला वरना बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ये शिफोन में भी होता ना शायद मैं ले लेती, पर हाल हमने ये वाला ड्रेस लिया, और यहाँ पे सेल लगी हुई थी 3000 की। तो ये 3000 का जी हमें पड़ा फ्रॉक। एक मैंने ये वाला फ्रॉक लिया है, और मेरी सासू माँ ने लिया है, सेम फ्रॉक है, बट उसका जो है ना कलर का थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए थोड़ा सा डार्क कलर है, और जो मेरा वाला है वो थोड़ा सा लाइट शेड है, पिस्ता शेड। तो ये वाले मैं और भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। तो ये देखिए ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका डिज़ाइन। यार अगर ये कपड़ा कोई और होता तो मैं लाजमी ले लेती, बट हाँ मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही और गंदा यार। तो जी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। और हमारा यहाँ पे था 3000 का हमारा फ्रॉक पड़ गया, और 1000 का गुस्सा आ गया, बाकी जी बचे 1000 फिर भी बचा। और 1000 में आराम से ना आपकी ज्वेलरी आ जाती है। तो जी आप चाहें तो 5000 में जाके यहाँ से अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, और हम खुद शॉपिंग के लिए जाएं, बच्चों की शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी शॉप में ना सर्दियों के कपड़े बच्चों के पड़े हुए थे, और क्या कहते हैं तकरीबन सेल पे थे, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत चेंज हो चुका है कराची का मौसम। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के कहीं कहीं, हर स्टॉल पर नहीं है, कहीं कहीं किसी किसी शॉप पर ना सर्दियों के कपड़े पड़े हुए थे, और वो कम रेट में दे रहे थे, तकरीबन सेल में दे रहे थे, तो वो हमने लिए। एंड जब मैं गुल प्लाज़ा में जाऊँ और यहाँ पे ये वाली शॉप पे वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन की इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, और बहुत मज़े की वैरायटी है। तो जो लोग कराची में रहते हैं और डेकोरेशन का सामान लेने जाते हैं, वो लाजमी जो है ना डेकोरेशन के लिहाज से यहाँ पर विज़िट करके देखें, बड़ी मज़े की वैरायटी है जी। और इसके बाद हम कहाँ गए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला ना मुझे डिफरेंट चीज़ लगी, तो मैंने थोड़ा बहुत इसका भी कैप्चर कर लिया। और जी अब अगेन यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी शॉप है डेकोरेशन की, सिर्फ एक नहीं काफ़ी ज़्यादा शॉप है। और ये है जी अगेन जूते, बच्चे यहाँ पे ना सिर्फ बड़ों के बल्कि छोटे बच्चों के भी काफ़ी वैरायटी के चप्पल हैं, जूते हैं, और जैसी वैरायटी है ना वैसी प्राइजेज होती हैं इनकी। और मैंने यहाँ पे एक पहले भी गुल प्लाज़ा के जो है ना व्लॉग शेयर किए हुए हैं, मैंने बताया था कि मैंने एक बेबी गर्ल का जो है ना सिर्फ शूज़ की प्राइज पूछी थी, तो वो थी 3000। तो जो बाहर शूज़ चप्पल वगैरह लगे होते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्राइजेस कम होती हैं, लेकिन जो शॉप के अंदर शूज़ होते हैं या काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, उनके अंदर शूज़ या सैंडल्स या जो भी होती ना, तो उनके प्राइजेस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। हमने जुनैरा के लिए भी हैं यहाँ से शूज़ भी लिए हैं और सैंडल भी लिए हैं, मेरे ख्याल से 1500 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, डिफरेंट हैं सैंडल्स भी और शूज़ भी, अगर आप बच्चों के लिए लेने हैं तो। एंड उसके बाद हमने
यहाँ पे और क्या देखा, और जी बस थोड़ा बहुत घूमे फिरे और थोड़ी बहुत और शॉप्स विज़िट की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चों की कपड़ों की वैरायटी है, आपको सेल में भी कपड़े मिल जाते हैं। सेल में कपड़ों की ये प्राइस होती है 500 प्लस होते हैं। कभी जमान था कि 300 में भी यहाँ पे जो है बेबी गर्ल या बेबी बॉयज़ के जो है ना सेल में कपड़े लगे होते थे, मिल जाते थे वन पीस, लेकिन अभी जो है ना प्राइजेस वो बहुत माशाल्लाह से 500-600 में मिल जाते हैं। बट उनका ये मेरे ख्याल से होता है वो साल या दो साल पुराने होते हैं, तो वो फिर इस तरह से वो 500-600 में सेल लगाते हैं और ख़त्म कर लेते हैं अपने ड्रेसेस। और उसके बाद मुझे ये शॉप नज़र आई और मैंने यहाँ बैग की प्राइजेस पूछी, तो बैग की प्राइजेस थोड़ी सी जो है ना मुझे हाई लगी, वही 700 का था। आई थिंक ये 1000-1500 इस तरह से प्राइजेज, छोटे छोटे बैगों के प्राइजेज बता रहे थे। और फिर जी बैगों की प्राइजेज देखी हमने, ज़ाहिर लड़कियां हों और बैग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दो बेटे थे और इतनी मतलब टेंशन थी, अब जब से बेटी हुई ना ज्वेलरी बैग ये वो चीज़ें इस शॉप से भी हमने जुनैरा का एक ड्रेस लिया है, सिर्फ खरीदना होता है अगर आप बोलेंगे तो मैं जुनैरा की ड्रेसेस शॉप पे आ गए थे, तो वो ड्रेसेस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे गुल प्लाजा में एक ये शॉप भी है जो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बैग जो है वो बहुत ही डिफरेंट जो है ना शेप्स के पड़े होते हैं, बहुत ही डिफरेंट। प्राइजेस तो मैंने नहीं पूछी बट मैं थोड़े से डिफरेंट लगे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और जो है आपको तकरीबन हर वैरायटी गुल प्लाजा में मिल जाती है, ज्वेलरी की, एसेसरीज़ की, बैग्स की। और हम जो है ना तकरीबन बेसमेंट में, ज़्यादातर हम बेसमेंट में ही आते हैं और ये सारी शॉप्स जो है ना ये सारी बेसमेंट में है। बेसमेंट में काफ़ी आपको वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं। और जो अगर आप क्रॉकरी का सामान लेना चाहते हैं तो वो फिर उसके लिए आपको जो है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको काफ़ी मज़े की क्रॉकरी, क्लीन कारपेट वगैरह जो भी होता है उसकी वैरायटी मिलती है। तो हमने जो है अभी सिंपल कपड़े ही लेने होते हैं या ज्वेलरी वगैरह देखनी होती है, तो उसके लिए हम हमेशा जो है ना बेसमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे देख लें काफ़ी जो है ना बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बच्चों के कपड़ों की भी। आप बच्चों के कपड़े भी इजीली जो है ना अपने बजट में यहाँ से ले सकते हैं। आप ये मत समझे कि यहाँ पर सिर्फ 1000-2000 में भी आपको कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ पर 5000-6000 वाले भी फ्रॉक हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉयज़ के, बेबी गर्ल के। और कई फ्रॉक हमने प्राइजेस पूछी एंड कई फ्रॉक ऐसे हैं जिनकी प्राइजेस 6000-7000 भी हैं, और कई फ्रॉक आपको 2000-3000 में भी मिल सकती हैं। तो आपने सिर्फ अपना बजट सेट करना होता है और अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपको मतलब कि आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग या फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जैसे अब शादी है, शादी के लिए सिर्फ कोई ड्रेस ले लिया या वेडिंग वाला ड्रेस, या फिर ईद के लिहाज से कोई भी फ्रॉक वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह का ले लिए। एक मैं आपके साथ और मज़े की यार शॉप शेयर करूँगी, वो है सदर में, सदर में बोरी बाज़ार में है, वहाँ से अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे वहाँ से भी हमने जुनैरा के ईद के ड्रेसेस कुछ बाय किए हैं, और वो ड्रेसेस यार बहुत ही मज़े के हैं। वहाँ पे बस ये है कि वहाँ पे भी आपको 2000-3000 तक ड्रेसेस मिल जाते हैं यार। अब जो ज़माना चल रहा है ना उसमें 2000 से कम ड्रेस सोचना भी मेरे ख्याल से कोई मुनासिब नहीं है, 2000 से कम कोई ड्रेस नहीं आता। तो अभी हम मैं आपको लेके जाऊँगी उस शॉप पे, वैसे मैं शॉप का नाम आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी शायद एक दो वीडियो में बताया होगा। तो सदर में जो है ना बोरी बाज़ार में वहाँ पे एक शॉप है ABC ऑक्सफोर्ड के नाम से आई थिंक सो शॉप है ABC। तो वहाँ पे ना बच्चियों की बहुत ही प्यारी वैरायटी होती है। अब सदर में बोरी बाज़ार में जाएंगे ना, बोरी बाज़ार के भी मैंने काफ़ी व्लॉग शेयर किए हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं और भी बोरी बाज़ार का शेयर करूँगी आपके साथ। तो वहाँ पे भी बच्चियों की काफ़ी वैरायटी में, इवन के 1000 में भी आपको ड्रेस मिल सकता है। वहाँ पे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा वैरायटी है बोरी बाज़ार में, सदर में भी। एंड हम जिस शॉप में जाते हैं वो एक ही शॉप है, वहाँ से हम ज़्यादातर बच्चों के जो है ना ड्रेसेस बाय करते हैं। और जुनैरा के मैंने काफ़ी ड्रेसेस, मैंने नहीं सॉरी मेरी सासू माँ ने या नहीं मेरी जुनैरा के दादों ने जो है ना जुनैरा के काफ़ी ड्रेसेस जो है ना उस शॉप से लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो है ना गुल प्लाजा में ही हैं और गुल प्लाजा में काफ़ी प्यारी प्यारी वैरायटी होती है। तो ये ड्रेसेस भी है ना, इनकी भी प्राइजेस 2000 प्लस थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने एक वीडियो शेयर की तो उसमें मैंने शायद प्राइजेस बताई भी थी इनकी, 2000 प्लस थी। तो बहुत ही प्यारे हैं ये विंटर के थे ड्रेसेस। और जी मज़े की बात जो मैं आपको बताने लगी थी वो ये है कि हमने जहाँ से बच्चों के शूज़ लिए उन्होंने वो शूज़ हमें दिए 2800 में, एंड 2800-2700 में फ़ाइनल करके थोड़ी बहुत
बार्गेनिंग करके ये वाले शूज़ देखेंगे। बहुत डिफरेंट शूज़ आए हुए हैं आजकल मार्केट में, एंड यही शूज़ जो है हमने डिफरेंट शॉप से रेट पता किए। हमें लगा शायद ये थोड़े एक्सपेंसिव दे रहे हैं, बट मैंने छोटे बेटे के ले लिए, बड़े बेटे के लेने थे, एंड यही शूज़ जो है दूसरी जितनी भी हमने शॉप से पता करवाया बहुत ज़्यादा रेट दे रहे थे। तो जी फाइनली हम उस शॉप पे आ चुके हैं। ये वो वाली शॉप है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि हर ड्रेस ही बहुत कमाल धमाल का है, लेकिन यहाँ पे हमें जब भी हम आए ना, हमें बहुत बहुत अच्छी वैरायटी भी मिली है। और हम जो है ना चुन चुना के, जो मेरी सासू माँ है वो चुन चुना के सुनहरा के लिए ड्रेसेस लेके जाती हैं, तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत विंटर के ड्रेसेस भी लिए हैं सुनहरा के लिए, जो उसको अगले साल आएंगे। तो इसकी दादू यही करती हैं कि जो अगले साल भी कपड़े आने ना, वो पहले लेके रख लेती हैं। तो माशाल्लाह से तो कुछ हमने सुनहरा के जो है वेडिंग वेयर भी लिए हैं, पार्टी मतलब पार्टी वेयर बोले, वेडिंग वेयर बोले, यार या ये जो बोले वो वाले ड्रेसेस भी सुनहरा रख लिए हैं अगर आप बोलेंगे तो। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत प्यारी प्यारी यहाँ बेबी गर्ल्स की वैरायटी भी है और बेबी बॉयज़ की भी है। बॉयज़ के तो हम इतना नहीं आजकल ले रहे, ज़्यादातर जो है ना हमारा फोकस जब से सुनहरा हुई है सुनहरा के ऊपर ही है बेचारे मेरे बच्चे। अच्छा तो यहाँ पे जो ना आपको डिफरेंट प्राइजेस में जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से जो है अगर प्राइजेस की बात करूँ तो डिफरेंट प्राइजेस हैं। आप अगर लोन में, लोन की तरफ जाएंगे मतलब समर कलेक्शन में जाएंगे, उनकी प्राइजेस थोड़ी सी हाई हैं, लेकिन अगर आप नेट वाले ड्रेसेस हो गए, नेट पे या शिफॉन पे जो ड्रेसेस हैं उनकी प्राइजेस थोड़ी सी आपको कम मिल जाएंगी, लाइक 2000 प्लस 2500 2700 3000 तक की है, लेकिन जो दूसरे ड्रेसेस हैं ना उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जी ये है बोरी बाज़ार। बोरी बाज़ार का व्लॉग भी है, और बोरी बाज़ार का व्लॉग आई थिंक तो मैंने बहुत मज़े से डिटेल से आपके साथ शेयर पहले भी किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं, इवन कि आपको यहाँ पर जो अगर आप पार्ट जैसे शिफॉन या नेट पे फ्रॉक बने होते हैं ना, वो 1000 प्लस में भी आपको मिल जाते हैं। बस आपको ये है कि आपको थोड़ी बहुत शॉप एक्सप्लोर करनी पड़ती है। हर शॉप पे डिफरेंट वैरायटी होती है, और क्या कहते हैं नहीं, प्राइसेस भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक शॉप पे हम आए थे, और यहाँ पे हमने थोड़े बहुत जुनैरा के लिए ड्रेसेस लिए थे, जुनैरा के लिए भी लिए थे और किसी और के लिए भी, यहाँ से एक फ्रॉक लिया था। तो वो कौन सी शॉप है अभी चले आते हैं, आपको वो शॉप भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस पे सेल भी लगी होती है, पर मैंने कभी सेल वाले ड्रेसेस इतने गौर से देखे नहीं हैं, और मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी वैरायटी मतलब उनकी क्वालिटी क्या होगी जो सेल में ड्रेसेस होते हैं। और फिर जी हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे भी काफ़ी सदर बोरी बाज़ार माशाल्लाह से बहुत बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी है, डेकोरेशन पीसेज हो जाते हैं यहाँ पे, कपड़े ज्वेलरी जूते एवरीथिंग, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। तो हम यहाँ पे भी ये ड्रेसेस देख रहे थे, और इनकी प्राइस भी जो थी ना डिफरेंट थी। तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने फिक्स रेट लिखे हुए थे, बट प्राइजेस चेक करें 1500 में ये वाले ड्रेसेस दे रहे थे। यहाँ पे 1500 है मेरे ख्याल से, तो मुझे ये 1500 ही लगा है क्योंकि मैंने भी प्राइजेस एग्जैक्ट याद नहीं है। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस पे भी आपको बोरी बाज़ार में काफ़ी अच्छी अच्छी मज़े की वैरायटी मिल जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, इवन के 700 का इतना प्यारा फ्रॉक था छोटी बच्ची का, ये तकरीबन थी न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक के जो बेबी गर्ल होती है ना, उनके फ्रॉक आपको 700-600 में मिल रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की वैरायटी बोरी बाज़ार में मिल जाती है, बहुत अच्छी मैं कहती हूँ वैरायटी होती है। जैसे बेबी गर्ल के आप यहाँ फैंसी फ्रॉक लेते हैं ना।